ओम शांति। आज 20 मार्च 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 1 मार्च 1990 को सुनाए थे, जिसमें दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता आज बच्चों को इन्हीं दो वरदानों से ब्राह्मण जीवन में सुसज्जित करते हैं। बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन का आधार ही है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। इसी दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान से हम पुरुषार्थी जीवन में भी जितना नंबर आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि से हम स्वयं को, बाप को और हर ब्राह्मण आत्मा को यथार्थ रूप से पहचान सकते हैं। साथ ही साथ अपनी विशेषता को यथार्थ रूप से कार्य में लगा सकते हैं। जब दिव्य बुद्धि यथार्थ कार्य करती है, तब बाबा कहे, आप परख शक्ति को अच्छी तरह से विकसित करके असंभव को संभव कर सकते हैं। बाबा कहे, ये दिव्य बुद्धि को हंस बुद्धि भी कहा जाता है, जो नीर और क्षीर को अलग कर, पत्थर और मोती को अलग कर मोती को चुगना शुरू करते हैं। इसीलिए माँ सरस्वती का वाहन हंस दिखाया है। साथ ही बाबा कहे, जिनके पास ये दिव्य बुद्धि का वरदान है, उनकी बुद्धि भी वाहन बन जाती है, हंस वाहन, जो तीनों लोकों की सैर आराम से कर सकते हैं। और बाबा कहे, जिन्हें ये दिव्य बुद्धि का वरदान है, वो असंभव को संभव सहजता से कर सकते हैं। जैसे दुनिया के अंदर साइंस बल वाले बुद्धि जो है, वो कोशिश करते हैं कि असंभव को संभव करें, लेकिन उनके पास दिव्य बुद्धि का वरदान नहीं है, इसीलिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिनके पास दिव्य बुद्धि का वरदान है, वह बाबा कहे, मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं और सहजता से परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव करके परमात्मा के द्वारा सर्वशक्तियों की प्राप्ति का भी अनुभव करते हैं। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा सहज ही परमात्मा की टचिंग्स को कैच कर सकती है, क्योंकि पवित्र बुद्धि है। और बाबा कहे, जिन्हें ये दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, रूहानी दृष्टि का वरदान मिला है, उन्हें माया कभी स्पर्श नहीं कर सकती है। माया का वार तो छोड़ो, लेकिन माया उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। तो बाबा कहे, दिव्य बुद्धि का कमाल अनुभव करो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे थे। बाबा किसको देख रहे थे? जिन्होंने दिव्य बुद्धि बाबा से प्राप्त किया है, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान, दिव्य बुद्धि का और रूहानी दृष्टि का, तो बाबा कहे, हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। जन्म से ही बाबा ये दो गिफ्ट के रूप में हमें देते हैं, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जी व जन्म
ब्राह्मणों का जीवन परिवर्तन, मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों के बीच में अंतर क्या है? इसी जन्म में पहले जन्म और ब्राह्मण बनने के बाद या मर्जीवा बनने के बाद का जन्म, दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। बाबा कहे यही दो बातों के आधार पर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। कैसे? कि इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। एक है कि वरदान तो मिल गया, लेकिन वरदान मिलना काफी नहीं है, उसको हर संकल्प, बोल और कर्म में यूज करना। जितना यूज करते जाते हैं तो पुरुषार्थी जीवन में आगे नंबर बढ़ता जाता है। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, कृति स्वतः ही बदल जाती है। जैसे जैसे यूज करते हैं रूहानी दृष्टि को भी, तो रूहानी दृष्टि से आंतरिक वृत्ति बदल जाती है और हमारी कृति भी बदलने लगती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति, तीनों के प्रति ये दिव्य बुद्धि कैसे कार्य करती है? तो बाबा कहे दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। दिव्य बुद्धि का कमाल है यथार्थ निर्णय, एक्यूरेट निर्णय। और जहां दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। इसी के आधार से ही तो हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं। मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि। जैसे दृष्टि होंगी वैसे ही तो बुद्धि काम करेगी, इसीलिए दोनों साथ साथ चलते हैं, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। अच्छा, क्या चेक किया होगा बाबा ने दिव्य बुद्धि में? सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख क्या होती है? वह सदा बाप को, आपको यानी स्वयं को, और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है, वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। तो दिव्य बुद्धि जिसके पास है उसकी पहली परख क्या है? कि वह सदा बाप को, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है, वैसा जानकर उस रूप से बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, बाबा ने हमको जो बनाया है या सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान, उसी प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना। जब स्वयं को पहचान लेते, बाप को पहचान लेते, हर ब्राह्मण आत्मा को पहचानते और फिर बाबा ने जिस सेवा के लिए निमित्त हमको बनाया है तो वहां पर उस विशेषता या दिव्य गुणों को यथार्थ रूप में कार्य में लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है, जैसी है, वैसे उसको जानकर आगे बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख।
कार्य कर रही है या नहीं, हमें स्वयं में चेक करना है। दूसरी बात, जिसके पास दिव्य बुद्धि है उसके विशेषता क्या होगी? तो पहला तो जो है जैसा है वैसे जान करके स्वयं को आगे बढ़ाते जाएंगे, विशेषताओं को कार्य में लगाते जाएंगे, ये पहली परख है। दूसरी परख, दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। क्षीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। तो ये भी बाबा देख रहे हैं कितना मोती को ग्रहण कर रहे हैं, जानते हैं कि ये कंकड़ है ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। बाबा कहे होली हंस बुद्धि कभी भी कंकड़ को धारण नहीं करते, सदा मोती को धारण करते, क्योंकि हंस बुद्धि है। तो ये भी बाबा ने देखा। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है, इसलिए माँ सरस्वती का ये वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। ये वाहन जो दिखाया हुआ है वास्तव में स्पष्ट करता है कि ये आत्मा दिव्य बुद्धि धारी है, तो दिव्य बुद्धि की निशानी है। और फिर क्या शक्ति है इस दिव्य बुद्धि की? आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं, इसलिए खाली हंस वाहन के रूप में नहीं, लेकिन दिव्य बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। कहां जाता है? बाबा कहे तीनों लोकों की सैर कराता है, इतना पावरफुल ये वाहन है। और दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियां कैच कर सकते हैं। जिसके पास ये दिव्य बुद्धि का वरदान है वो बाबा से सर्वशक्तियों को कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है तो साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है वह संभव कर दिखाते हैं, लेकिन वह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं, उससे आगे न सोच सकते हैं न कर सकते हैं। खाली संसार के प्रति या प्रकृति के प्रति ही साइंस वाले सोच सकते हैं या कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है। कितनी पावर है कि दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। और क्या करता है? परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि बल से खाली तीनों लोकों की सैर करते इतना नहीं, लेकिन इतना मास्टर सर्वशक्तिवान बना देता जो परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन और परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। इतनी ताकत है दिव्य बुद्धि द्वारा। हर कर्म में परमात्मा प्यार यानी पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास ये बुद्धि बल है, दिव्य बुद्धि बल है, हर कर्म में परमात्मा प्यार यानी परमात्मा की पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं।
दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकता है, अर्थात माया उसके ऊपर वार नहीं कर सकती है, माया के वार को हार खिला सकता है। तो दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहां परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। बाबा कहे जैसे पहले से ही उसको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो जहां परमात्मा टचिंग, प्योर टचिंग, मिक्सचरिटी नहीं, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती माया, हमारी बुद्धि को टच भी नहीं कर सकती माया। दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वर माला बन जाती है। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही कि माया क्या बन जाती है, जैसे हार लेकर के हमें पहनाती है, सफलता का हार पहनाती है। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती है। जैसे बाबा मिसाल बहुत सुंदर देते, जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना, हिंसक से हिंसक शेर को भी क्या कर देते थे, अपनी शक्ति शांत कर देते, शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है ना। द्वापर युग में अगर ऋषि मुनि ये कमाल कर सकते तो दिव्य बुद्धि वालों का तो बात ही क्या है। तो आप सतो प्रधान, दिव्य बुद्धि माना सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि वरदानी। कितना बाबा हमें जागृति देते कि हम कौन है, सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिमान, दिव्य बुद्धि के वरदानी। उन्हों के आगे माया क्या है, माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ उसको यूज करो बाबा ये जागृति देते, सिर्फ उसको यूज करो। जैसा समय, कैसे यूज करना है सो भी बताते बाबा, जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। हर बात में सफलता अनुभव करेंगे, सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे उदाहरण बाबा दूसरा देते, जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, तो दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। क्या कहा बाबा ने, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा जब दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है तो आपने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है, लेकिन ये दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं है। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है, स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल, पूछते बाबा स्पष्ट हुई। लेकिन आज क्या देखा, क्या देखा होगा, टीचर सुनाओ। टीचर्स बाबा के सामने बैठे थे तो बाबा कहे टीचर सुनाओ। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई ना, टीचर अर्थात हर संकल्प बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। किसको टीचर का टाइटल मिला, जो हर संकल्प बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित है।
उसको बाबा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो, इसमें थकावट की बात नहीं है, तो यह कर सकते हो ना। दिव्य बुद्धि से सर्व सिद्धियों का अनुभव कर सकते हो ना। बाबा कहते हैं, टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर्स के फीचर्स ना, टीचर अगर फरिश्ता बनते हैं तो टीचर अर्थात फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हो। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वह फीचर्स में दिखाई दे, फरिश्ते के फीचर्स दिखाई दे, तो कितनी अच्छी सेवा होगी। अगर उस फीचर्स द्वारा सेवा करना शुरू करे तो बाबा कहे कितनी अच्छी सेवा होगी, बोलने की सेवा तो कुछ समय ही होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। बस फीचर्स में क्या हो, सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। आपको देखेंगे और प्रेरणा लेंगे और वो भी अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है, ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो, जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ता फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, ये चेक करो, तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को, यह तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो। वाणी की सेवा तो बाबा कहे 12 घंटा ही कर सकते हो, यह वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे, 12 घंटे में भी 2-4 घंटे ही करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे, इसमें तो थकने की बात ही नहीं है, नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं। बाबा कहे कुत्ते बिल्ली वाले ही खिलौने भी लेकर आते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती, उसको निकालने में टाइम लगा देते, पता कोई ना कोई माया का स्वरूप आ जाता है। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है। पूछते बाबा, सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है, बाहर ढूंढते रहते कि सफलता मिले। जैसे कहानी सुनाते ना, जैसे रानी की कहानी सुनाते ना, गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही, ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर्स सफलता मूरत हो ना, कि पुरुषार्थी मूरत, मेहनत मूरत हो, पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ। बाबा कहे पुरुषार्थ भी कैसा, सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, ये पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी।
टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। बाबा भी टीचर से इतना प्यार करते हैं, इसीलिए बाबा मेहनत करने नहीं देते। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। आज तो खाली दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के विषय में सुनाया। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है, देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है, भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है, सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं, ये है निशानी। अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती है। अच्छे की निशानी यह है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है। सफलता की निशानी क्या है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है, यह है अच्छे की निशानी। तो यह नहीं सोचो संख्या कम होगी, अगर कोई भी कार्य अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी, अपने आप उनके अंदर भी संकल्प आएगा और संख्या भी बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में, चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छे दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट यह है कि पहले तो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट कहते हैं, यह समझते हैं। तो यह है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है। बाबा कहे वो भी पर्दे के बाहर आए और घूंघट खोला है। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की, मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को न देख, आराम को न देख अच्छी अथक सेवा की। सर्टिफिकेट दे रहे बाबा, इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं, सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाले ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। पहले ग्रुप, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो, चाहे और कितने भी आए लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है। आप उन्हों के आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा यह लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, ब्रह्मा बाप ने भी बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबर वार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है,
पूछते बाबा कि तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है, तो किसी ने कहा बैठना है। सत्युग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे, थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे, फिर क्या करेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते, तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। कितना अच्छा गारंटी बाबा ने दे दिया कि ब्रह्मा बाबा के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है, 21 जन्म तो साथ रहेंगे। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। यह दिल में आता है या सुना है इसलिए कहते हो, फीलिंग आती है, पूछते बाबा कि ब्रह्मा बाबा के साथ कोई ना कोई संबंध में पार्ट बजाएंगे, ये फीलिंग आती है। जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी है, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। बच्चे जब ऐसा पुरुषार्थ करते तो बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख, स्मृति स्वरूप बनना। कौन सा? सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना, जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती है, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो, पूछते बाबा। ब्राह्मण बने ही क्यों, बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजी रहने वाले ही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो जानते हो, हिसाब हिसाब रखना आता है। हर कदम में पद्मों की कमाई, कदम में पदम, सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है, नशे से कहो हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा। यह नशा भी हो किंतु निर्माण, बाबा कहे ये नशा भी हो किंतु निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हो, नशा भी हो और निर्माण भी हो। आप सबके नेचुरल जीवन ही यह हो गई है, नशा और निर्माण। किसी को भी देखेंगे तो उसे स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्मा है, इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं। ये नशा नुकसान वाला नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती, कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती।
क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉप हो। फुल स्टॉप वही लगा सकते जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है, पवित्र है। सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, फॉरेन में नहीं लगाते हो ना। बाबा विदेशी बच्चों को देखकर कहते हैं, ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, फॉरेन में नहीं लगाते हैं। वह तो हुआ मनोरंजन, भारत में तो एक मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के पांच पांच खिलाड़ी अपना खेल कर रही है। प्रकृति भी पांच तत्व है और माया भी पांच, तो पांच पांच खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। अच्छा, ओम।